जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित शहीद स्मारक पर ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरीज कॉन्फेडरेशन से संबंधित सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान इकाई के अध्यक्ष एन के पारिक ने बताया कि सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों की पेंशन काफी लंबे समय से नहीं बढ़ाई जा रही है, जबकि पेंशन रेगुलेशन में इसका प्रावधान है। साथ ही सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों को डीए का भी पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस के ये भारी प्रीमियम भी भरना पड़ रहा है। और इस सभा को संगठन के पदाधिकारी केसीआर सेपट, आलोक चतुर्वेदी समेत अनेक पदाधिकारियों ने संबोधित किया। देश की सभी राजधानी राज्य की राजधानियों में धरने का आयोजन किया है। इस कड़ी के अंदर अन्य स्थानों पर बड़े बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई अन्य स्थान पर धरने हो चुके हैं और आज ये धरना राजस्थान में किया जा रहा है। इसमें हमारे 200 से अधिक बैंक रिटायरीज इकट्ठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांग पेंशन अपडेशन है। बैंकों के अंदर पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के पेंशन रेगुलेशन के आधार पर लागू की गई थी। केंद्र सरकार में जब जब भी पे कमीशन आता है उनकी पेंशन का रिवीजन हो जाता है, लेकिन अफसोस है कि जब बैंकों में वेतन समझौते होते हैं तो यहाँ पर हमारी पेंशन का रिवीजन नहीं।